हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम जांगिड। आप देख रहे हैं शुभम क्लासेस और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इक्वेशन और सिंबल्स के बारे में कि किस प्रकार से आप एमएस ऑफिस की इक्वेशन और सिंबल्स कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, इक्वेशन से मतलब इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और अगर आप एमएस ऑफिस में अगर आपको फॉर्मूलेज चाहिए तो आप स्पेशली इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं तो इन पे आप ये वैल्यूज डाल सकते हैं और ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये फॉर्मूले के लिए इतना कोई अच्छा टूल नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कभी कभार हमें जरूरत पड़ जाती है फॉर्मूले की, तो इसलिए यूज करते हैं। वैसे अगर हमें फॉर्मूले के यूज करने हैं ज़्यादा, तो उसके लिए हम एक्सेल यूज करते हैं, जो मैं आपको फ्यूचर में सिखाऊंगा। तो ये देखिए, कॉस थीटा, साइन थीटा, तो सारे फॉर्मूलेज अवेलेबल है मेन में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंबल। आपको देखिए बहुत सी सिंबल्स है, इसके थ्रू आप सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप के। बहुत से सिंबल्स में अवेलेबल है, जैसे चाहे वैसे सिंबल्स अगर आपको अपने वेब पेज में सिंबल्स डालने हैं तो इसके थ्रू आप डाल सकते हैं। लाइक देखिए, ये जो सिंबल है एक आर का, जब मैं इंसर्ट करता हूँ इसमें, देखिए ये सिंबल है किसी का, इसका मतलब होता है कि कॉपीराइट, आपने सुना होगा इसका नाम बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितने सारे सिंबल्स हैं, तो ये आप सीधा देखिए, मैं इंसर्ट कर देता हूँ किसी को, जैसे कि मुझे ये सिंबल, इसमें देखिए ये सिंबल्स है, बहुत से सिंबल्स अवेलेबल है, जो चाहे वो सिंबल्स आप डाल सकते हैं। लाइक मुझे ये डालना है तो इंसर्ट ऑटो करेक्ट, यहाँ से आप इनको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और ऐड करने हैं तो और भी आप ऐड्स कर सकते हैं इनके अंदर। ये शॉर्टकट कीज़ है, अगर आपको सिंबल्स की शॉर्टकट कीज़ बनानी है किसी भी सिंबल्स की, तो इसके थ्रू आप वो बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना, देखिए जो मैंने वो जो जो सिंबल लिए तो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको हेडर एंड फुटर के बारे में बताऊंगा। जब तक देखते रहिए शुभम क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।